हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि ये जो टैक्सिम इंजेक्शन है वो कब लगवाया जाता है, यानी कि आपको ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसी कौन सी बीमारी है कि उस कंडीशन में आपको सिफोटैक्सिम सोडियम जो 1 ग्राम का इंजेक्शन है, यानी कि टैक्सिम जो इंजेक्शन है वो आपको लगाते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि ये मेडिसिन जो है वो अगर आपको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है या फिर स्किन में इन्फेक्शन है तो उसे सॉल्व करती है। तो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए सिफोटैक्सिम सोडियम इंजेक्शन आपको लगवाया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन है वो सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लगने वाला इंजेक्शन है। तो चलिए सीखते हैं कि आज हम कौन कौन से कंटेंट हैं जो कि कवर करने वाले हैं। बेसिक ऑफ मेडिसिन, यूज ऑफ मेडिसिन, लेबल स्टडी, वर्किंग एंड मैकेनिज्म, डोज ऑफ मेडिसिन, प्राइस ऑफ मेडिसिन, साइड इफेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रेगनेंसी कैटेगरी एंड ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं वो आज हम टैक्सिम इंजेक्शन के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक से जानें कि टैक्सिम जो इंजेक्शन है वो कौन से क्लास से बिलोंग करती है। ये जो इंजेक्शन है वो एक एंटीबायोटिक मेडिकेशंस है। एंटीबायोटिक जो मेडिकेशन है वो एक सिफालोस्पोरिन ग्रुप है, उसकी क्लास से यानी कि सब क्लास से बिलोंग करता है सिफोटैक्सिम सोडियम। इसका जो ब्रांड नेम है वो है टैक्सिम, और ये जो है वो ओरली नहीं लिया जाता, पेरेंट्रली लिया जाता है, आईवी और आईएम यानी कि इंट्रावेनस और इंट्रा मस्क्यूलर के लिए ये इंजेक्शन बनाया गया है। अब उसके सॉल्ट कंपोजिशन के बारे में जाने तो इसका जो कंपोजिशन है वो है सिफोटैक्सिम 1 ग्राम का अवेलेबल है, और इसको जो मैन्युफैक्चर करता है वो है एल्केम लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। अब यूजेस के बारे में जानें कि टैक्सिम जो इंजेक्शन लगवाते हैं, जब टैक्सिम इंजेक्शन दिया जाता है वो किस किस कंडीशन में दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, जो कि ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन, ट्रॉट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, आपको कान का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, या फिर यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है और स्किन का इन्फेक्शन है। तो ये जो है सारी स्किन कंडीशंस है, इन्फेक्टेड जो एरिया है वहाँ पे आपको टैक्सिम इंजेक्शन जो है वो लगवाया जाता है। और भी हम देखें तो या फिर आपको किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, बोन्स में आपको वीकनेस आ गई है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है, ब्लड इन्फेक्शंस है, हार्ट में इन्फेक्शन है, चेस्ट का प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, या फिर एब्डोमिनल जो इन्फेक्शन होता है वो आपको इन्फेक्शंस है। तो ये जो सारी कंडीशंस है उस कंडीशन में टैक्सिम इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये जो सारी कंडीशंस थी उसके सारे कंडीशंस में डिटेल में जानना है, या फिर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन लेना है, आपको कोई बीमारी है तो उसके बारे में आपको प्रॉपर कोर्स चाहिए मेडिसिन का, तो आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिल सकता है। तो इसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट करना होगा। नाउ अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं कि ये जो टैक्सिम इंजेक्शन है उसकी लेबल स्टडी क्या है। ये एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, यहाँ पे उसका ब्रांड नेम एंड जेनरिक नेम भी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कंपनी का लोगो है। देन और भी हम जाने तो ये जो पैकेजिंग है उसमें सिंगल यानी कि एक वायल आती है। अब वायल कैसी दिखती है, तो ये वायल है, तो इस वायल में कितनी ड्रग है, 1 ग्राम। इसके यहाँ पे कंपोजिशन दिया हुआ है कि सिफोटैक्सिम जो है वो इक्विवेलेंट टू सिफोटैक्सिम 1 ग्राम, यानी कि सिफोटैक्सिम जो सोडियम है उसके मुताबिक ये जो सिफोटैक्सिम 1 ग्राम है वो उसके इक्विवेलेंसी में है। तो इसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाया जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ड्राई पाउडर में अवेलेबल होगा एंड यहाँ पे उसका वाटरफोर इंजेक्शन दिया हुआ है। तो ये दोनों मिक्स करके उसे ये जो इंजेक्शन है वो बनाया जाता है। एंड इसकी जो स्टोरेज कंडीशन है वो बिलो 30 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में रखा जाता है।
और भी जाने। तो ये मेडिसिनिक शेड्यूल एच की ड्रग है। शेड्यूल एच का कॉजन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्रिपरेशन है वो डेंजरस होगी, मेडिकल जो एडवाइज़र है उसे कंसल्ट करके ही लेनी होगी, और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये मेडिसिन नहीं मिल सकती है। अब वर्किंग के बारे में जानें तो हमने सीखा सबसे पहले कि टैक्सिम जो इंजेक्शन है यानी कि सिफोटेक्सिम, वो सिफालोस्पोरिन के क्लास से बिलोंग करती है। तो सिफालोस्पोरिन का जो क्लास है वो क्या करता है, इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, जो सेल वॉल है उसका सिंथेसिस इनहिबिट कर देता है। तो यह मेडिसिन बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना काम करती है। सेल वॉल ब्रेक हो जाने से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन आपकी बॉडी में धीरे धीरे कम हो जाता है एंड पेशेंट जो है वो ठीक होने लगता है। तो ये इसकी वर्किंग मैकेनिज्म थी। अब ये जो मेडिसिन है टैक्सिम इंजेक्शन, अब उसकी डोज के बारे में देखें कि इसका कितना डोज है और कब लेना है। इसका जो एडल्ट डोज है वो है 1 से लेकर 12 ग्राम IM और IV वंस अ डेली, दिन में एक बार लेने का होता है। मिनिमम डोज इसका है 1 ग्राम पर डे, जो मैक्सिमम डोज है वो 12 ग्राम पर डे का है। चिल्ड्रन जो डोज है उसका वो 50 mg से लेके 180 mg पर kg और पर डे का है, यानी कि आपके बच्चे का जो वेट है उसके कैलकुलेशन करके बच्चे को लगवाया जाता है। हायर डोज में यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप हायर डोज में यूज़ करते हैं तो आगे हम उसकी साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि अगर आप हाई डोज में यूज़ कर रहे हैं तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारा एक मेडिसिन कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके हमारा जो मेडिसिन कोर्स है वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप के थ्रू भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नाउ और भी मैं आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँ, तो हमने एक न्यू लॉन्च मेडिसिन रिव्यू PDF बुक भी अवेलेबल है हमारी ऐप पे। अगर आपको ऐसे ही हमारे मेडिसिन रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं और इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी में मटेरियल चाहिए, PDF बुक चाहिए, तो वहाँ से आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। नाउ टैक्सिम इंजेक्शन के प्राइस के बारे में देखें, इसकी जो लेटेस्ट प्राइस है वो है September 2023 के अकॉर्डिंग 1 इंजेक्शन की प्राइस है ₹42.50। अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखें कि ये इंजेक्शन लगवाने से कौन कौन से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड रेशेस। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो सिफोटेक्सिम सोडियम जो इंजेक्शन है वो लगवाने से हो सकती है। हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है बीमारियां और उनके उपचार, जो कि आप हिंदी में सीख सकते हैं। ऊपर आई बटन दिया हुआ है, तो आई बटन के थ्रू आप मेरे एक दूसरी चैनल है लर्न विद फाइजा, उस पर आप सीख सकते हैं कि जो डिजीज़ है, जो बीमारियाँ हो रही हैं उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो उस चैनल पे हम कवर करते हैं, और आपको डिजीज़ एंड ट्रीटमेंट यानी कि बीमारियाँ और उनके उपचार के बारे में बुक चाहिए तो हमारी एक बुक भी अवेलेबल है, बुक में हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे उसके कंटेंट दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन, कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। आपको बुक ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे भी हमारी ऐप अवेलेबल है फार्मारॉक्स के नाम से, और एप्पल ऐप स्टोर पे भी है, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली बुक का ऑर्डर आप कर सकते हैं। नाउ वार्निंग के बारे में देखें कि टैक्सिम इंजेक्शन लगवाने से कौन कौन सी वार्निंग है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। तो अगर आपको टैक्सिम इंजेक्शन और सिफालोस्पोरिन या फिर कोई भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है उससे आपको एलर्जिक रिएक्शन है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीजेस रहते हैं, लिवर में डिजीजेस है, तो आपको अवॉइड करनी है, या फिर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो उस दरमियान भी ये जो इंजेक्शन है वो नहीं लगवाना है आपको। अब प्रेगनेंसी कैटेगरी के बारे में जानें, अकॉर्डिंग टू USFDA इस इंजेक्शन की प्रेगनेंसी कैटेगरी B है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ मानी जाती है, और आपको लैक्टेशन यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी के जो फेजेस है उस दौरान आप ले सकते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली सेफ टू यूज़। नाउ ड्रग ड्रग इंटरेक्शन के बारे में देखें कि अगर टैक्सिम इंटरेक्शन आप ले रहे हैं सिफोटेक्सिम सोडियम जो 1 ग्राम है उसकी ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस क्या रहेगी, कौन कौन से ड्रग के साथ आपको इंटरेक्शंस हो सकता है, तो चलिए देखते हैं। जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, कानामाइसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन,
देन फ्यूरोसेमाइड, इटाक्रिनिक एसिड, प्रोबेन एसिड, BCG वैक्सीन जो आती है, और टाइफॉइड वैक्सीन लाइव, एंड देन कोरोला वैक्सीन लाइव। तो ये जो सारी मेडिसिंस है, उस मेडिसिन के साथ सिफोटेक्सिम सोडियम जो है वो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही मेडिसिन के रिव्यू बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको डिजीज एंड ट्रीटमेंट के बारे में सीखना है तो मेरी एक दूसरी चैनल भी है, लर्न विद फाइजा, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।